हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम डी एस यादव. एज आई प्रोमिस्ड यू यस्टरडे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट spoken classes on YouTube channel. This is my very first video on spoken English. You must remember that when we start speaking English, we feel so many problems. So guys, this is our first class, and in the very first class we will only discuss what should we do for speaking English. सॉरी, तो जो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है कि जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है हाउ टू स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश कैसे बोले? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए प्रॉपर्ली ग्रामर का यूज करना जरूरी है. तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं. नो, एज एन एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश I always decline that you must not learn grammar first of all, because whenever you use English wherever you are speaking, then you always try to use what we say grammar rules. It always makes you hesitate. क्योंकि जब हम हमारी लैंग्वेज के ऊपर थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो क्या जब आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज, जो अपनी स्तरीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, या कहें कि हिंदी वाले एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, तो वो हिंदी भाषा, उसे बोलने के लिए क्या आपने पहले ग्रामर सीखी थी? नो. जब आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी, उस नेटिव लैंग्वेज को सीखने से पहले आप लोगों ने ओनली और ओनली, जब आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, उस टाइम पर आपने ओनली लिसनिंग की थी. क्या की थी? लिसनिंग. जब हम लिसनिंग अच्छी तरीके से करते हैं, लिसन प्रॉपर्ली करते हैं, तो उस समय हम किसी भी भाषा को बोलने का जो पहला स्टेप होता है वो हम अचीव करने लगते हैं. जैसा कि कहा भी गया है, टू बी अ गुड स्पीकर बी अ गुड लिसनर. एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है. तो पहले स्टेप हमारी होती है गुड लिसनिंग. हमारा पहला स्टेप हमेशा गुड लिसनिंग होना चाहिए. गुड लिसनिंग अगर ये नहीं है तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं. ग्रामर रूल्स नहीं, फर्स्ट चीज गुड लिसनिंग. देन जब आप गुड लिसनर बन चुके हैं, अच्छे स्पीकर लिसनर बन चुके हैं, उसके बाद आपको जो सेकंड पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग. एक गुड लिसनर बनने के बाद में आपको उस बात को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है. उस अंडरस्टैंडिंग के बाद में आपको स्पीकिंग करना चाहिए. जो आप सुनो वैसा बोलने का प्रयास करो. वॉट यू लिसन्ड, ट्राई टू स्पीक दैट पॉइंट. जो भी सुना उसको बोलने का प्रयास करें, उसमें गलतियां ना ढूंढें, उसमें रूल्स अप्लाई करने की कोशिश ना करें, बस जैसा सुना वैसा. ये तो हमने एक प्राइमरी लेवल पर एक छोटे बच्चे की तरह किसी भी भाषा को सीखने का प्रयास किया है. और एक और चीज रिमेम्बर कि जब भी आप किसी भी नई भाषा को सीख रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो या फिर उर्दू भाषा हो, बी अ चाइल्ड, एक बच्चा बनने की कोशिश करो, नॉट अ मैच्योर पर्सन. तो उसके बाद स्पीकिंग जब आप करने लग जाते हो, छोटी छोटी टूटी फूटी भाषा आप बोलने लग जाते हो, बट यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, यू वांट टू बी अ गुड एंकर. सो व्हाट शुड वी डू? तो हमें एक ही चीज करनी चाहिए, हमें रीडिंग करनी चाहिए. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रीडिंग का. तो गाइस, रीडिंग क्या होती है? रीडिंग, जिसे आप अपनी सिंपल साधारण भाषा में पढ़ना बोलते हैं। आपको अच्छी रीडिंग के लिए अच्छी बुक्स, अच्छी इक्विपमेंट। यू मे से यू शुड रीड मैगजीन्स, you should read books, you should read editorials. There are so many things you can do. So guys, जब हम मैगजीन्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जिस प्रकार की लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उसी लैंग्वेज से रिलेटेड न्यूज़पेपर पढ़े, मैगजीन्स पढ़े, बुक्स पढ़े, एडिटोरियल्स पढ़े, डेली पढ़े, लाउडली पढ़े, मतलब जोर से पढ़े। और ये क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि इससे हमें नॉलेज प्राप्त होती है। नॉलेज गेन करने का अपने पास जो सबसे बड़े माध्यम है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड एडिटोरियल्स। लाइक लिस्निंग, जब हम लिस्निंग करते हैं तो लिस्निंग हमारे सामने वाले स्पीकर को लिसन करें। हो सकता है तो हम आजकल जो है इंटरनेट पर बहुत सारे ऑडियोज अवेलेबल होते हैं, ऑडियोज को लिसन करें, वीडियोज होते हैं, वीडियोज को लिसन करें, देखें, उनके एक्सेंट को देखें। इन द वेरी बिगिनिंग यू शुड नॉट फॉलो एक्सेंट, यू जस्ट ट्राई टू स्पीक, रिमूव योर हेजिटेशन। रीडिंग करें, रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, बुक्स है, एडिटोरियल्स है। देन you can be a good speaker because these all things provide you knowledge. Various kind of knowledge will be found here. Then you will be a speaker. ये तो हमारी छोटी छोटी चीजें थी। मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास में एक बुक है, ये क्या नाम, द सीक्रेट। सिंपल बुक है, मोस्ट बेस्ट सेलिंग बुक है। इस बुक को मोस्टली जो रीडर्स होते हैं पढ़ते हैं। सिंपल लैंग्वेज है, पढ़े, लाउडली पढ़े, नॉलेज प्राप्त होगा। आप कोई भी एक राइटर पकड़ सकते हैं। अगर आप यूथ हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग रोमांटिक स्टोरी से रिलेटेड नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे सामने चेतन भगत का हाफ गर्लफ्रेंड वाला नॉवेल है। ऐसे देयर आर सो मेनी नॉवेल्स। इफ यू आर डिवोटी, इफ यू आर रिलीजियस पर्सन, यू कैन रीड सम मिस्टिंग सन्स ऑफ मिरा। You know, there is an important thing in this book. Here is Hindi and the psalm, means bhajan, is translated in English language, so you can communicate well. So there is another famous writer, R. K. Narayan, famous writer in Indian English genre. Means we can say you can choose a particular writer who wrote in simple language and you read. Means there will be some stories and you will relate and try. You will understand what the writer wants to say and you will start learning. You must remember that whenever you read, you must read loudly. Or you know, the most important writer of our Hindi literature, Hindi Sahitya ka, so it is Godan. Munshi Premchand, Godan. It is translated in English, so you can read it. What I show you, these are some books in English. I have around 250 books. I read them. You must read also. Then you should have one notebook too. Why? Because when you read extra things, you find the things. Yeah, I should have some knowledge of it. You should write it, note down it in the notebook, and make some sentences on the basis of your knowledge. Try to think, try to write without knowledge, without reading, without seeing. Imagine and note it. You will be a speaker of English language. So what I want to say that it is our first class. In the very beginning, we should know what should we read, what should we do. I guarantee you, in the very 15 days, you will be a speaker of English language. I don't guarantee that you will be good speaker, you will be an excellent speaker, but you will be a speaker. Then if you follow me, then you will be good speaker of English. So guys, practice what I said and what I told you, and you should be a good listener, then you should understand, then you should speak properly what you imitate, what you listen. Then you should read some newspaper of English language, magazines, books and editorials. Then you will be a speaker. Definitely you will be a speaker. Thank you very much, and follow me and subscribe me. And we will meet tomorrow with the very first lecture or introduction, how to introduce whenever we meet, whenever we go and interviews. Thank you very much.